हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है हिंदी व्याकरण का पाठ 21 और उसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ। सभी बच्चों को कहानी सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है, बिल्कुल सही। ये तो रियलिटी वाली बात है ना कि सभी को, आप में से 99% बच्चों को, या मैं ये कहूँ कि 100% बच्चों को कहानी का पढ़ना और कहानियों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों, और वे कहानी सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। बच्चे अगर 8-10 कहानियाँ भी पढ़ लें या सुन लें तो वे दूसरे बच्चों को कहानी सुनाने में कुछ कुछ सक्षम हो जाते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आप लोग 8 या 10 कहानियाँ भी पढ़ लें या सुन लें उनको, तो आप दूसरों को भी कहानियाँ सुना सकते हो, है ना। यहाँ कुछ चित्र तथा शब्द संकेत दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और फिर कहानी को पढ़िए। हमें इन शब्दों को पढ़ना है, इन संकेतों को पढ़ना है, चित्र को देखना है, उसके बाद फिर हम कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, संकेत। एक सेठ एक बंदर पाला। गर्मी के दिन सेठ गहरी नींद में, बंदर का पंखे से हवा करना, एक मक्खी बार बार उड़ाने पर भी ना जाना, बंदर का हथौड़ी उठाना, मक्खी सेठ की नाक पर जोर से हथौड़ी मारना और मक्खी का उड़ना किंतु सेठ का घायल होना। और उसके बाद देखते हैं हम, देखिए ये चित्र में एक सेठ है, इनके पास एक बंदर बैठा हुआ है ना। और सेठ यहाँ पर दूसरी तस्वीर में, दूसरे चित्र में सेठ सो गए हैं, बंदर हवा कर रहा है। तीसरे चित्र में एक मक्खी सेठ की नाक पर बैठी है। और चौथे चित्र में हम देखते हैं कि बंदर ने हथौड़े से सेठ जी की नाक पर वार कर दिया, मक्खी उड़ गई है लेकिन उनकी नाक पर चोट लग गई है। आइए अब हम कहानी लिखते हैं। पूरी कहानी इस तरह से बनेगी बच्चों। एक सेठ था, उसने एक बंदर पाला था। सेठ को वह बंदर बहुत प्रिय था। सेठ समझता था कि बंदर बहुत बुद्धिमान है, परंतु बंदर तो बंदर ही होता है। गर्मी का मौसम था, एक दिन सेठ गहरी नींद में सो रहा था, बंदर उसे पंखा झल रहा था। अचानक एक मक्खी आई और सेठ के पेट पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को बार बार उड़ाया किंतु वह कभी सेठ के हाथ पर बैठती तो कभी पाँव पर, कभी पेट पर बैठती तो कभी सिर पर। बंदर को गुस्सा आ गया, वह दूसरे कमरे से हथौड़ी उठा लाया। उस समय मक्खी सेठ की नाक पर बैठी थी। बंदर ने उसी समय पूरी ताकत से हथौड़ी से उस पर वार किया, मक्खी तो उड़ गई किंतु बेचारे सेठ जी की नाक का भुरता बन गया और उनका एक दांत भी टूट गया। दर्द के कारण सेठ जी बेहोश हो गए। सच ही कहा गया है कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। तो देखिए, उन संकेतों की सहायता से और चित्रों की सहायता से यह हमारी कहानी पूरी हो गई। इसके बाद देखिए, घमंडी मेढकी। अपने को बड़ी समझना, मेढकी के बच्चे का बैल को देखना, माँ को बताना, मेढकी का अपना शरीर फुलाना, बच्चे से पूछना इतना बड़ा, बच्चे का कहना इससे भी बड़ा, अंत में मेढकी का शरीर फट जाना, मर जाना और घमंड का परिणाम। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम लोग कहानी लिखते हैं इन संकेतों के आधार पर। ये देखिए, ये कहानी लिखी हुई है पूरी, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एक तालाब में एक मेढकी रहती थी। वह बहुत घमंडी थी, वह अपने को बहुत बड़ा समझती थी। एक दिन मेढकी के बच्चे ने एक बैल देखा। उसने मेढकी से कहा, माँ मैंने आज एक बहुत बड़ा जानवर देखा। मेढकी ने अपना शरीर फुलाया और पूछा, इतना बड़ा? बच्चा बोला, नहीं माँ, इससे भी बड़ा। मेढकी ने शरीर को और फुलाया, फिर पूछा, अब बताओ इतना बड़ा? बच्चे ने कहा, नहीं इससे भी बड़ा।
इसी तरह मेंढकी अपना शरीर फुलाती गई और अंत में उसका शरीर फट गया और वह मर गई। सच ही कहा है किसी ने कि घमंड का परिणाम अच्छा नहीं होता। अब आइए हम इसके अभ्यास को करते हैं। नीचे दिए गए संकेतों और चित्रों की सहायता से कहानी लिखनी है हमें। संकेत हैं, एक गांव, गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों का उससे टकराना, लेकिन किसी को भी पत्थर ना हटाना, भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ जाना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारे कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो आइए देखते हैं। एक छोटा सा गांव था, देखिए पॉइंट में है ना, एक गांव। गांव के बाहर एक रास्ता था, देखिए गांव के बाहर रास्ता था। रास्ते के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ था, खाली जगह में लिख लें। कई लोगों को उस पत्थर से ठोकर लगी, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाकर नहीं रखा। लोग पत्थर को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाते। एक दिन उस रास्ते में एक गरीब किसान आ रहा था, उसको भी पत्थर से ठोकर लगने से चोट लगी थी, पर वह रुक गया। उसने सोचा कि रोज़ ना जाने कितने लोगों को ठोकर लगती होगी, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। किसान ने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे पर रख दिया। पत्थर के नीचे थैली थी और कुछ। किसान ने वह थैली उठा ली, उसमें एक चिट्ठी थी और उसमें कुछ रुपए भी थे। चिट्ठी में लिखा था, यह है पत्थर हटाने का इनाम। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने ये कहानी पूरी कर ली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संकेत, ये देखिए संकेत लिखे हुए हैं, इसके आधार पर हमें ये कहानी को पूरा करना है। देखिए संकेत के अनुसार जो भी पॉइंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो है हमें ये कहानी पूरी करनी है। चलिए। एक राजा था, वह लड़ाई में हार गया। दुश्मन से बचने के लिए वह एक गुफा में जाकर छिप गया। राजा ने गुफा में एक चींटी देखी, वह गुफा की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। चींटी दीवार पर बार बार चढ़ती और फिर नीचे गिर जाती। इसी तरह वह कई बार चढ़कर गिरी, आखिर वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। राजा को चींटी से सीख मिली, उसने फिर से सेना तैयार की और दुश्मन से लड़ाई की। इस बार लड़ाई में उसकी जीत हुई। सच है, जो बार बार कोशिश करता है वह अवश्य ही सफल होता है। है ना बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी काम को करने का बार बार प्रयास करते हैं तो हमें एक बार सफलता नहीं मिलती, दो बार सफलता नहीं मिलती, लेकिन अंत में हम सफल ज़रूर होते हैं। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट कहानी है, इसको भी हमें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पूरा करना है। एक धनी आदमी था, उसके घर में कई नौकर नौकरानियाँ थीं। एक दिन उसके कीमती हार की चोरी हो गई। हार को बहुत खोजा पर वह ना मिला। धनी आदमी ने सभी नौकर नौकरानियों को बुलाया। उसने सभी नौकर नौकरानियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि चोर की छड़ी कल एक इंच बढ़ जाएगी। धनी आदमी के एक नौकर के एक नौकर धनी आदमी का एक नौकर बहुत चतुर था। नौकर ने सोचा, यदि मैं अपनी छड़ी एक इंच काट दूं तो यह छड़ी एक ही इंच बढ़ जाएगी। यह सोचकर उस नौकर ने एक इंच अपनी छड़ी को काट दिया। अगले दिन सभी नौकर नौकरानियां धनी आदमी के घर हाजिर हुए। जिस नौकर की छड़ी एक इंच कम थी उसे पकड़ लिया गया और चोर मिल गया। इस तरह धनी आदमी ने चोरी करने वाले का पता लगा लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये एक कहानी और है, इसको भी हमें पूरा करना है। आइए करते हैं हम इसे पूरा।
कपिल नामक एक लड़का था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था। एक दिन कपिल ने देखा कि रेल की पटरी उखड़ी पड़ी थी। कपिल ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी समय एक रेलगाड़ी आती है। संयोग से कपिल ने लाल कमीज पहनी हुई थी, उसने फौरन कमीज उतार दी। उसे वह लाल झंडी की तरह दिखाने लगा। ड्राइवर ने रेलगाड़ी रोक दी। कपिल की सूझबूझ से दुर्घटना टल गई। सरकार द्वारा उसे इनाम दिया गया और सब ने कपिल की सूझबूझ की बहुत तारीफ की या प्रशंसा की। यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर, ये पार्ट जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।